अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी मान और शहर की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास का आगाज करते हैं उस बाबरकत ज़ात के नाम से जिसने हमें मौका दिया कि हम उसकी किताब कुरान पाक को समझ के पढ़ सकें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले आप लोग मुझे कल के सबक की समरी देंगे, बताएंगे हमने क्या पढ़ा है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का भी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था, वो भी आप लोगों ने बस आज तर्जुमा करना है, ठीक है। और जो आप लोगों का प्रैक्टिस ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है। ग्रुप ओपन रहेगा, आप लोग जैसे चाहें वहाँ प्रैक्टिस करें, चाहे तो लिख कर भेजें, चाहे तो वॉइस करके भेजें, या चाहे तो टाइप करें, या चाहे तो कॉपी पे लिख के पिक्चर बना के भेजें, जैसे आप लोगों के लिए आसानी हो आप भेजें और चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को क्लियर होगा। तो कौन करेगा आज, बल्कि कल की समरी बताएं, कौन बताएगा? क्लास में कल सब थे? देखिए क्लासेस आप लोग मिस करेंगे फिर आप लोगों को समझ कुछ भी नहीं आएगा, और जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं लेंगे मैं उन्हें रिकॉर्डिंग्स भी नहीं दूंगी, ये याद रखिएगा। चलिए हफ्सा आप बताएं कल क्या पढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसी हैं आप पापी जी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बताएं। कल हमने तीन सबर पढ़ी थी, ठीक है। उसके अंदर उसका मीनिंग ये होगा कि उसने किया, ठीक है। लफ्ज पे आएंगे, अगर सेकंड वाले लफ्ज पे भी जबर आ गई, फर्स्ट वाले के ऊपर जबर, सेकंड वाले पे जेर आ जाए या कुछ भी आ जाए और लास्ट वाले पे भी जबर आ जाए तो फिर भी उसने किया होगा। लेकिन कुछ ऐसे थे लफ्ज जिनके अंदर हमने मीनिंग तो उसने किया लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं था, बनता ठीक नहीं था, तो हमें उसके मुताबिक अपना चेंज करना पड़ता था, वहां पे हम बोल गाएंगे, ठीक है। एक मिसाल दे के बताए। मतलब के कल हमारा था, शुक्र पे लगाएं, तीन जबर लगाएं। अर्साला उसने भेजा, इसका ये बनेगा, ठीक है। कज़ाबा उसने जितलाया, ठीक है। जैसा कि आ गया मेरे पास नासारा, उसने मदद की। गाफारा बख्शा, इसका मीनिंग आएगा यहाँ पे उसने बख्शा नहीं आएगा, वो बख्शता है आएगा। वो बख्शता है क्यों, अभी थोड़ी, मैंने क्या कहा है तीन जबर के मायने माजी में, पास्ट में हम तर्जमा करेंगे, वो बख्शता है नहीं, उसने बख्शा मतलब पहले बख्शा, उसने बख्शाएगा, ठीक हो गया। तीन जबर के मायने याद रखिए माजी में है, मतलब पहले वो काम हुआ है, अभी ता है कहीं भी नहीं लगाइएगा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी वो काम हो चुका है। देखिए उसने किया मतलब उसने पहले काम किया, अभी करने अभी नहीं किया, अभी हो नहीं रहा, पहले हो चुका है। जैसा कि कल हमारी एग्जांपल उसके अंदर ना ये थी आमाना, इसके अंदर उसने ईमान लाया नहीं आएगा, वो ईमान लाया, हाँ, तो मतलब वो ईमान लाया, अब ये तो नहीं, जी देखिए हम इसका ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि वो ईमान लाता है, अभी तो नहीं ईमान लाता ना, प्रेजेंट में नहीं, पहले ला चुका है, वो ईमान लाया, ठीक है। जज़ाकअल्लाहु खैर, बारकअल्लाहु फीक। देखिए आप लोग पिछला याद रखेंगे तो हमें नेक्स्ट आगे पढ़ने में आसानी होगी, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, कल दो जबर तीन जबर पढ़ चुके हैं, आज हम वाव अलिफ और अल्लज़ीना पढ़ेंगे। वाव अलिफ का कल हमने ओवरव्यू ले लिया था, किसके लिए होता है, जमा के लिए। देखिए सजदा से सजदू, उसने सजदा किया से उन्होंने सजदा किया,
ठीक है, ज्यादा है सजदा करने से, कतला से कतलू उन्होंने कत्ल किया, कफरा से कफरू उन्होंने कुफर किया, ठीक है, आमना से आमनू वो ईमान लाए, कल एक ईमान लाने वाला था, ठीक है, ये कल हम कर चुके हैं, इसको हम फास्ट फास्ट चलेंगे जो। अच्छा एक और चीज पूछ लेती हूँ आप लोगों से, ये भी कर चुके हैं। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, आप बताएंगी। यास्मीन समीना आप बताएं, शरीबा का आप बनाएं जमा, किस तरह बनाएंगी? बताएं, कल पढ़ा है ना वाहिद से जमा बनाना, अभी भी रिपीट थोड़ा सा किया, बताएं। आरफा आप बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इसके इसके में बाग के ऊपर हम पेश लगा देंगे और इसके साथ वाव अलिफ अटैच करेंगे, तो क्या बन तो जाएगा? ये जमा बन जाएगा शरीबू। तो क्या होगा तर्जुमा? वो पीते हैं। फिर पीते हैं। मैं क्या कहा है, तीन जबर के मायने क्या होता है? फिर वो पीते हैं, अभी की थोड़ी बात है, शरीबा उसने अच्छा, पिया। हाँ उसने पिया, उन्होंने पिया। जी, देखिए आप लोगों ने उन्होंने पिया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं की ना, इसलिए आज मिस्टेक्स हो रही है आप लोगों की। जी अस्सलाम वालेकुम, माइक नहीं खुल रहा था मेरा, पता नहीं, मैं समझ रही थी आप पीछे से खोलेंगी, वो ये मसला हुआ मेरे साथ ना। आप प्लीज आप पूछे, मैं बताती हूँ। फला क का बनाए आप, यास्मीन समीना जमा बनाए। खाला का उसने पैदा किया, जमा बनाए और इसकी। खाला इसको वाउ के साथ नहीं, वाउ लगा देंगे। खाला को उसने बोले, उन्होंने पैदा किया। स्क्रीन नहीं आ रही है। जी उन्होंने पैदा किया, जमा के लिए हम ये कहेंगे। खाला का से खाला कू उन्होंने पैदा किया, ठीक है। जी इस ये जो नीचे जमा के लिखे हैं उसके तर्जुमा कीजिए, रजिया शेख आप। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा करना है? ये फ़ाइलू का तर्जुमा कीजिए। उन्होंने किया। सजदू उन्होंने सजदा किया। आमनू उन्होंने ईमान लाए। या वो ईमान लाए, ज्यादा बेहतर जुमला। जी वो ईमान लाए। आमेलू उन्होंने अमल किया। कतल कतलू पतलू उन्होंने कत्ल किया। ठीक है। कफरू उन्होंने कुफ्र किया। कौलू उन्होंने कहा। ठीक है। अच्छा इसका वाहिद कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें से देखिए बताएं। कौलू का वाहिद इसमें से देखिए बताएं। कोला ठीक है, कोला ठीक है, उसने कहा। ठीक है जी, बारक अल्लाह फीक जी। इसका तर्जुमा आप करेंगी फरजाना खान, आप करेंगी। यहां से स्टार्ट करें, इस तरह से। मुझे कह रही हैं आप फुरकाना को? जी आप कर लें, करें आप। इस तरह उन सब ने खरीद लिया। ठीक है। दखलु वो सब दाखिल हुए। कफरु उन सब ने कुफर किया। कजबु उन सब ने झूठ बोला। आलू उन सब ने कहा। झूठ बोला नहीं लिखा हुआ। अमेरु कजबु झुटलाया। जी जी उन सब ने झुटलाया। आलू उन सब ने कहा।
अमेलू उन सब ने अमल किया, अलेमू उन सब ने जाना, रकेरू उन सब ने जिक्र किया, नसरू उन सब ने मदद की, चालू उन्होंने सब ने बनाया, फतहू उन सब ने खोला, फालू उन सब ने किया, समेऊ उन सब ने सुना, सबरू उन सब ने सबर किया, रजू वो सब राजी हुए, कानू वो सब थे, गौलमू उन सब ने जुल्म किया, इश्तरू उन सब ने खरीदा, सजद उन सब ने सजदा किया। ठीक है, और बारकल्लाहु फीक। ज़ेबा आप करें यहाँ से वजदू से। वजदू उन सब ने पाया, कतलू उन सब ने कत्ल किया, लबीसू उन सब ने वो सब ठहरे, सदाकू उन सब ने सच कहा, सालू उन सब ने सवाल किया, दाखालू वो सब दाखिल हुए, खराजू वो सब निकले, मातू वो सब मारे, मरना लिखा हुआ है जी, वो मर गए, सब मरे मर गए, कफरू उन सब ने कुफर किया या इनकार किया। ठीक है, जहादू उन सब ने जहाद किया, हाजरू उन सब ने जहादू, हाँ जहादू उन सब ने जहाद की, हाजरू उन सब ने हिजरत की, आमनू वो सब ईमान लाए, खानू वो सब थे। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। वजदू नहल जीशान आप यहाँ से कीजिए, अमीलू से। मैं इन म्यूट। अमीलू उन्होंने अमल किया, कालू उन्होंने कहा, अमानू उन्होंने वो ईमान लाए, अश्तराऊ उन्होंने खरीदा। ठीक है, कज़बू उन्होंने छुटलाया, ज़करू उन्होंने जिक्र किया, मैंने पढ़ दी। ठीक है, अच्छा आप एक और चीज बताएंगी। यस मैम। कल वाला लेसन याद हो, ये कतलू का वो तर्जुमा कीजिए पहले। कतल कतल करना मैम। तो आप हमने भी क्या उन्होंने कत्ल किया। ठीक है इसका वाहिद बना सकती है, तो जमा का हुआ ना कि उन्होंने कत्ल किया, अब वाहिद बनाए इसका। उसने कत्ल किया, अरबी बना के दिखाए ना इसको, देखकर सामने लिखा हुआ ही है। ठीक है, बारकल्लाहु फीक, मतलब आपको याद है कल का लेसन। अच्छा जी, तो मजीद मुझे बताएं रजिया शेख, ये लबिसू का वाहिद बनाएं। लबिसू, अच्छा वाहिद लबस वो ठहरा, लबीसा होगा ना, बाकी नीचे तो जेर ही है। हाँ, लबीसा। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अब यहाँ पर देखिए वही चीज सेम है, पहले और कल जो नहीं आए थे वो सुन लें। पहले और आखिरी हुर्फ पर जबर मायने उसने किया, जैसे सजदा उसने सजदा किया, आमना वो ईमान लाया, कौला उसने कहा, आमिला उसने अमल किया, कफरा उसने झुठलाया, समिया उसने सुना, कतला उसने कत्ल किया। अब देखें ये उसी का जमा बना हुआ, देखें सजदा से सजदू, देखें सजदू पेश लगा, वाव अलिफ का इजाफा हुआ, अमीला देखें अमीला से हमारे पास अमीलू बना है, पेश का इजाफा हुआ है, वाव अलिफ जबर हट के पेश लगेगा और वाव अलिफ का इजाफा होगा। ठीक है, अब देखें कौला से कौलू पेश लगा, वाव अलिफ का इजाफा हुआ। अब आप मुझे इसका तर्जुमा करके बताएं।
आमना तारिक आप कीजिए, यहाँ सजा दासी कीजिए। जी सजदा, उसने सजदा किया, इसका वाहिद है, इससे बनेगा वाउ अलिफ लगा के सजदू, उन्होंने सजदा किया। ठीक है, इस तरह से आमिला वाहिद है, उसने अमल किया, और आमिलू उन्होंने अमल किया। कौला उसने कहा, कौलू उन्होंने कहा। जी करें करें। आमना वो ईमान लाया, आमनू वो सब ईमान लाए। ठीक है। कफरा उसने झुटलाया या इनकार किया, और कफरू उन्होंने इनकार किया। समिया उसने सुना, समियाऊ उन सब ने सुना या उन्होंने सुना। कतला उसने कत्ल किया, कतलू उन सब ने या उन्होंने कत्ल किया। इस तरह से ज़ुलमा उसने जुल्म किया, ज़ुलमू उन सब ने जुल्म किया। काना वो था, कानू वो सब थे। इसी तरह से ज़हबा वो गया, दहबू वो सब गए। दखला वो दाखिल हुआ, दखलू वो सब दाखिल हुए। खरजू वो निकला, खरजा वो निकला, और इसकी जमा होगी खरजू वो सब निकले। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अब जो जो रह गए हैं अब वो पढ़ेंगे। सलमा नाफे अब आप पढ़ेंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हाथ खड़ा रखे ताकि मुझे याद रहे। पढ़े जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। हाँ, कहाँ पे से करना है? सजदा, सजदा यहाँ से। ठीक है, सजदू। क्लियर हो रहा है या बड़ा करूँ? नजर आ रहा है? कर लिया मैंने बड़ा जी, आ रहा है। जलमा उसने जुल्म किया, जलमू उन्होंने जुल्म किया। काना था, कानू थे। काना वो था, कानू वो सब थे। रजी वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए। सबरा उसने सबर किया, सबरू उन सब ने सबर किया। समिया उसने सुना, उन सब ने समिया उन सब ने सुना। एक मिनट लिया, हाँ एक मिनट लेकर। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया। सालू ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। गुलजार अब आप कीजिए नेक्स्ट, यहाँ से जाला से आगे। जी मैम, ये नसर और से करें। नसर उसने मदद की, किया। नसरो उन्होंने मदद किए। अलीमा उसने उसने जाना, अलीमो उन्होंने जाना। जकर है कि उसके आगे लिखने रहे हैं। जकर उसने जिक्र किया, जकरो उन्होंने जिक्र किया। आमिल उसने अमल किया, आमिलू उन्होंने अमल किया। कौला उसने कहा, कालू उन्होंने कहा। आमिल उसने अमल किया, आमिलू उन्होंने अमल किया। सजद ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। अफसरी खान अब आप करेंगी, आमना से करें यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करें यहाँ से आमना से। मैम आमना पे आप अपना येरा परसी बड़ा करूं? क्लियर है? हाँ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, बस। ठीक है ठीक है मैम। जी आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, कानु वो थे, काना वो था। हेलो जी, आवाज आ रही? जी जी। कहाँ से? यहाँ से दोबारा पढ़े, यहाँ से। ये वाला आमना, ये वाली सेकंड रो से पढ़ना आपने, ये वाली। जी जी आमना
वो ईमान लाए लाए क्यों आमना वो ईमान लाया, ईमान लाया सॉरी जी जी वो ईमान लाया आमनु वो सब ईमान लाए कानू फिर अच्छा नीचे की तरफ आऊं नीचे की तरफ आऊंगे जी जी क्लॉकवाइज पढ़े आमनु वो ईमान लाए ये भी आ गया आमना वो ईमान लाया ये हो गया हाजरा उसने हिजरत की हाजरु उन्होंने हिजरत की जाहदा उन्होंने जाहदा उसने जिहाद किया जाहदू उन्होंने जिहाद किया ठीक है कफारा उसने कुफ्र किया कफारू उन्होंने कुफ्र किया खराजा यहाँ खराजा दाखिल निकला वो निकला खराजू वो सब निकले ठीक है माशाल्लाह अच्छी कोशिश रही बारकल्लाहु फीक अतिया साद अब आप पढ़ें जी कहाँ से पढ़ना ये दखल आसे स्टार्ट करें यहाँ से ये वाली लाइन आप पढ़े आप दहला वो दहला उसने दाखिल किया दाखिल होना लिखा हुआ है अच्छा दहला दहला उसने दाखिल किया दाखिल होना लिखा हुआ है पे किया कैसे वो दाखिल हुआ वो दाखिल हुआ दहल उन्होंने वो दाखिल हुए साला उसने सवाल किया सालू उन्होंने सवाल किया ठीक है सदका उन्होंने सच कहा सदका उन्होंने कैसे हुआ सदका इसने सच कहा सदकू उन्होंने सच कहा आमाना वो उसने ईमान लाया आमानू उन्होंने ईमान लाए इसका भी आम आना का वो ईमान लाया करें तो ज्यादा ठीक है ठीक है बाकी अब कौन कौन रह गया है आशा शायद अब आपने नहीं पढ़ा था हाँ जी नहीं पढ़ा पढ़े ये वजह दा से पढ़े जल्दी से पढ़े ये वाली लाइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजदा उसने पाया वजदू उन्होंने पाया कतला उसने कतल किया कतलू उन्होंने कतल किया जकरा उसने जिक्र किया जकरू उन्होंने जिक्र किया कज़बा उसने झुठलाया कज़बा तशदीद है इसके ऊपर कज़बा उसने झुठलाया कज़बू उन्होंने झुठलाया अमिला उसने अमल किया अमिलू उन्होंने अमल किया कौला उसने कहा कौलू उन्होंने कहा कौला कहाँ है देख के पढ़े अच्छा अच्छा ठीक पढ़ा आपने कौला उसने कहा कौलू उन्होंने कहा दाखला वो दाखिल हुआ दाखलू वो दाखिल हुए ठीक है कज़बा उसने जुटलाया कज़बू उन्होंने जुटलाया ठीक है बारकल्लाहु फीक सब पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से या कोई रह गया है मैं रह गई हूँ पढ़े आप ये अंदर वाली लाइन मैं निशान भी रह गई हूँ जमा उसने जमा किया जमा उन्होंने जमा किया जाला बनाया जालू उन्होंने बनाया कफरा उसने कुफर किया कफरू उन्होंने कुफर किया शराबा उसने पिया शरीबा ज़ेर है नीचे शरीबा उसने पिया शरीबू उन्होंने पिया अकला उसने खाया उकुलू उन्होंने खाया अकलू उकुलू नहीं है जबर है अकलू जमा उसने जमा किया जमा
उन्होंने जमा किया। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। टीचर मैं भी रह गई हूँ, मैंने सुनाना है। ठीक है ठीक है, अभी पढ़ा हुआ है, बहुत है सबक हमारे पास, सुनाएं आप क्यों स्लाइड समझाएं, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, आसान है अब तो। थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ लें, क्लियर हो गया होगा ये तो, क्या कहते हैं टीचर, पढ़ लें नेक्स्ट होगा ना, अब आप कीजिएगा। ठीक है चले देखते हैं, छोटा सा है, थोड़ा सा उसका इंट्रो ले लेते हैं जैसे कल लिया था टाइम, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट है। तो देखिए हम जैसे पढ़ रहे हैं कि तीन जबर के मायने होता है उसने किया, ठीक है। तो देखिए कतल के ऊपर तीन जब कतल के ऊपर तीन जबर है तो उसने कतल किया, ठीक है। अब क्या चीज हमें याद रखनी है, देखिए बाज मरतबा काम करने वाले का नाम उसके फौरी बाद आएगा, उसके फौरी बाद आएगा, जैसे कतला दाऊदू काम होगा उसके बाद फौरन से जो नाम आएगा, तो मतलब काम उसी ने किया है। पर उसकी एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि उस पे जो है पेश होगी, अभी फिलहाल आप पेश को याद रखें, फिर नेक्स्ट हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तीन जबर के मायने हम क्या पढ़ा है कि काम करने वाला वो है, उसने किया। अब जैसे क्या है, कौला उसने कहा। अब आगे देखिए नाम आया है इब्राहिम, अब इब्राहिम पर पेश है तो काम करने वाले इब्राहिम है, तो किसने कहा, अब हम उसने का तर्जुमा नहीं करेंगे, आगे नाम आ गया तो हम उस नाम को मेंशन करेंगे, हम कहेंगे इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा। कतला दाऊदू, कतला को पहले अलग करें, कतला उसने कतल किया, हमें नहीं पता था ना किसने कतल किया, अब आगे नाम आ गया, नाम के ऊपर पेश हो तो काम करने वाला वही है। कतला दाऊदू, दाऊद ने कतल किया, दाऊद अलैहि सलाम ने कतल किया, ठीक है। अब देखिए कौला मूसा, मूसा ने कहा, ठीक है। कौल यूसुफ़, यूसुफ ने कहा, यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा। रजा मूसा, रजा के मायने हम पढ़ चुके हैं कि लौटना या वापस आना, रजा वो लौटा, अब आगे नाम आ गया हमारे पास तो मतलब मूसा लौटा या मूसा अलैहि सलाम लौटे, एहतराम के लिए हम जो है लगा सकते हैं हुए, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले लगा देते हैं माँ, अब तर्जुमा करेंगे, माँ कफर सुलेमानु, सुलेमान ने कुफर नहीं किया, ठीक है। कफर मायने उसने कुफर किया, आइए सुलेमान आया है तो सुलेमान ने कुफर किया, यहाँ हम अभी एडिशनल लगा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मिस है, तो इसलिए हम ये लगा के तर्जुमा करेंगे, माँ कफर सुलेमानु, सुलेमान ने कुफर नहीं किया। तो आज का हमने क्या सीखा कि काम है, काम जो हुआ है उसके बाद जो भी नाम होगा तो मतलब काम करने वाला वही है, याद रखना है जो काम करने वाला होगा उसके नाम पर पेश होगा, ठीक है। तो यही था आज, अब आप लोग तर्जुमा करके मुझे सुनाएंगे। शबाना खान आप बताएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाजी। कतल दाऊद, दाऊदू, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कतल किया, ठीक है। वकाला मूसा या फिरौनु, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए फिरौन। कालू या मूसा, उन्होंने कहा या ए मूसा, ठीक है। अब आपने भी उन्होंने कहा क्यों तर्जुमा किया है, ये कालू है बाजी, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। इसी तरह देखें जो जो हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, पिछला आपने नहीं भूलना, पिछला याद रखेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी, पिछले तमाम लेसन याद रखने हैं। अब पढ़े नहज ईशान आ जाए, शाबाश जल्दी आए जी। मिस कौन सा पढ़ना है, ये पढ़े नादा फोर्थ नंबर से, नादा नादा पुकारना, मैं हूँ। यस मिस पढ़े, अल्लाह माल कुरान, नादा नूहन कौन पढ़ेगा, अच्छा
ना हूं मतलब क्या इसका मैं मुझे मीनिंग नहीं आता इसका और अपने नाम के साथ आया करें ताकि मुझे याद रहे कि कौन किस किस ने क्लास ली है ठीक है अब फरजाना खान आप पढ़ें आपने नहीं पढ़ा हिना सईद आपने नहीं पढ़ा जी अस्सलाम वालेकुम